एवरीवन, मैं हूं निकी और स्वागत है आपका निकी किचन में। तो आज हम बनाएंगे चपाती फ्राई, आप इसे रोटी फ्राई भी कह सकते हैं, और हम इसे बची हुई रोटियों से बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 रोटियां ले ली हैं और अब हम इसे इस तरीके से रोल करके काटेंगे। आप चाहे तो इसे तोड़ के भी बना सकते हैं। और अब इसे इस तरीके से अलग कर लें। अब हम लेंगे 3 स्पून ऑयल, 1 अनियन फाइनली चॉप, 1 ग्रीन चिली, 5-6 करी लीव्स, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन चिली यूज कर रहे हैं। और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालेगा, क्योंकि रोटी में भी हो सकता है आपने सॉल्ट डाल के इसे बनाया हो। और 1/2 टेबलस्पून शुगर, ये ऑप्शन है, और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें मस्टर्ड सीड्स डालेंगे और अब हम इसे अनियन डालेंगे, करी लीव्स, ग्रीन चिली। तब इसे 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। और अभी फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और शुगर। और अब इसे मिक्स करेंगे और अब हम रोटियों को डाल देंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे, जिससे बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और अब 5 मिनट्स हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अब हमारा रोटी फ्राई बिल्कुल तैयार है। और हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डालेंगे।